डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध जारी है। इस बीच एक्टर नाना पाटेकर से इस फिल्म को लेकर हुई बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाना से सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दे दी है, इसके बाद भी जैसा विरोध हो रहा है तो क्या ऐसे में किसी ऐतिहासिक फिल्म को आज के समय में बनाना मुश्किल है। इस पर नाना ने जवाब देते हुए कहा कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। नाना ने कहा कि फिल्मों पर बवाल होना आम बात है, जब मूवी को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई तो वो रिलीज होगी, बस सही विषय पर फिल्म बनाई जाए। अगर आप सही फिल्म बनाएंगे तो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप गलत फिल्म बनाएंगे तो लोग रिएक्ट जरूर करेंगे। नाना ने आगे कहा, मेरी फिल्म को लेकर कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं हुई, मैंने क्रांतिवीर जैसी फिल्में बनाई। बोल्ड स्टेटमेंट होने के बाद भी उन पर कभी कोई बवाल नहीं हुआ। इस बात को याद रखना जरूरी है कि आप फिल्म क्या सोचकर बना रहे हैं। आप सब्जेक्ट को कैश करना चाहते हैं या फिर आप सच में कोई कड़ा संदेश समाज को देना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई है वो आंखों में दिखाई दे जाती है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।